गर्मी के मौसम में अक्सर सभी बच्चे और गाय यमुना का पानी पीने आते थे। नदी के अंदर एक बड़ा तालाब था जहां कालिया नाम का एक बड़ा काला नाग रहता था। उसकी वजह से वहां का पानी पूरी तरह पॉल्यूटेड हो गया था। एक दिन यमुना का पानी पीने गए बच्चे और गाय बीमार हो गए और वहीं गिर गए। लेकिन बाल कृष्ण ने उन्हें अपनी आंखों से देखा और दोबारा ठीक कर दिया। तब कृष्ण यमुना नदी के किनारे के पास एक बड़े कदंब के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने पहले अपनी कमर कसी और पहलवान की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गए, फिर उस नदी में कूद पड़े। जैसे ही कृष्ण पानी में कूदे, नदी में बाढ़ सी आ गई, मानो नदी में कोई बहुत बड़ी चीज आकर गिर पड़ी हो। पानी के अंदर कृष्ण मदमस्त हाथी की तरह खेलने लगे, इधर उधर पानी को उछाला और खूब शोर मचाया। कालिया नाग को ये अच्छा नहीं लगा और वह उन्हें ढूंढते ढूंढते पानी से ऊपर आया। गुस्से में भरे हुए कालिया ने कृष्ण को अपनी मजबूत कुंडलियों में जकड़ लिया और उन्हें 2 घंटे तक पकड़े रखा। वृंदावन के सभी लोग नदी की ओर भागे। कृष्ण की माता यशोदा रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बच्चा भयानक मुश्किल में है। माता की यह हालत देख तब कृष्ण ने अपने शरीर को खूब बड़ा कर लिया ताकि नाग उन्हें पकड़ ना सके। यह देख कर कालिया गुस्से में लाल हो गया और उसने अपने फनों को बड़ा कर लिया। उसने अपने नथुनों से भयानक विष और धुआं निकाला। उसकी आंखें आग की तरह जल उठी। कृष्ण को देखते ही उसके मुंह से आग निकलने लगी। जिस तरह गरुड़ सांप पर हमला करते हैं, वैसे ही कृष्ण नाग के फन पर कूद पड़े। कालिया ने उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण जल्दी से उसके चारों ओर घूमने लगे। जैसे जैसे कृष्ण और कालिया तेजी से एक दूसरे के पीछे घूमते गए, नाग बहुत थकने लगा। कृष्ण ने कालिया के फन पर ताल में नाचना शुरू कर दिया, ता ता थई। देवताओं ने जब भगवान कृष्ण को नाचते हुए देखा तो उन्होंने फूलों की बारिश की, बांसुरी और ढोल बजाया और प्रार्थना गीत गाए। कृष्ण ने जब उसके 100 फनों पर नृत्य किया तो कालिया ने उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कृष्ण नहीं गिरे। कालिया के सारे फन कुचल कर टूट गए। बार बार उन्होंने अपने चरण कमलों से उस नाग को लात मारी और कालिया को कीचड़, आग और कई चीजों की उल्टी होने लगी। अंत में सर्प ने उल्टी की, क्योंकि उसके फनों को कुचला जा रहा था और उसके पूरे शरीर को भगवान के पैरों से तोड़ा जा रहा था। अब वह कृष्ण के साथ और लड़ाई नहीं कर सका। वह हार गया था और उसे समझ आ गया कि कृष्ण सबसे पावरफुल और सुपर गॉड हैं। नाग की पत्नियों ने भगवान कृष्ण को झुककर प्रणाम किया और कहा कि आप हमारे पति कालिया को माफ कर सकते हैं, हम आपसे प्रार्थना करती हैं। कालिया ने भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, मैं इस जन्म में एक नाग के रूप में पैदा हुआ था, इसीलिए मैं बहुत क्रोधित हूँ। आप सुपर पावर हैं, हर चीज के मालिक हैं। आपकी कृपा से ही मैं अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकता हूँ। आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं या मुझे बचा सकते हैं, जैसा आप चाहें। तब भगवान ने सभी के सामने नाग को ऑर्डर दिया, आप अभी इस नदी को छोड़ दें और अपनी पूरी फैमिली को समुद्र में ले जाएं। आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, यमुना नदी पॉल्यूटेड हो रही है। हम चाहते हैं कि हम फिर से इसका मीठा पानी पी सकें। कालिया की पत्नियां कृष्ण को सुंदर वस्त्र, फूल माला, आभूषण, चंदन का पेस्ट, कमल के फूल और अच्छे फल गिफ्ट करने लगी। इस तरह उन्होंने भगवान को खुश किया और समुद्र में जाने के लिए निकल पड़े।
माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराजा और चरवाहे बच्चों को अपने साथ सूखी जमीन पर सुरक्षित वापस कृष्ण को देखकर बहुत खुश हुए। सभी ने बारी बारी से कृष्ण को गले से लगा लिया। उनके साथ उनके प्यारे कृष्ण वापस आ गए थे और उन्हें अब कालिया नाग से डरने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है, जब कोई मनुष्य ईश्वर की शरण में आ जाता है तो सभी दुख दर्द उससे दूर हो जाते हैं।